सुना है आज राहुल गांधी जी चंडीगढ़ आए थे, एक छोटी मोटी रैली भी करी उन्होंने यहाँ पर, उसी के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। राहुल जी आए, उन्होंने कहा कि हम चंडीगढ़ में मेड इन चंडीगढ़ के स्टैंप लगाना चाहते हैं। अरे राहुल जी, मेड इन अमेठी के तो आपने आज तक स्टैंप लगाए नहीं, कुछ 15 साल में शायद 5 बार गए हैं आप अमेठी। वहां पर जो चीजें पास हो गई थी वो फैक्ट्रियां भी नहीं लगी, उधर एक गेट बना हुआ है और मोटा सा ताला लगा हुआ है। वहां की जनता आपसे थक हार कर अब स्मृति ईरानी जी को वोट डाल रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आपने बात करी कि चंडीगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, आप कौन से एयरपोर्ट से आए हैं चंडीगढ़? वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको नहीं पता शायद, आप चलते वक्त देखते नहीं बाएं दाएं, लेकिन चंडीगढ़ में पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मेहुल चौकसी, विजय माल्या और नीरव मोदी को लोन देने वाले और भारत से भगाने वाले हम लोग थे, मतलब बीजेपी थी। कुछ तो आप सोचिए, सारी दुनिया को पता है कि जितने भी एनपीएस हुए बैंक्स के वो आपकी सरकार के टाइम पर हुए। इन लोगों को आपकी सरकार ने इतने लोन्स दिए कि बैंक्स बेचारे नॉन परफॉर्मिंग हो गए सारे के सारे। ये जो भागे हैं ना यहां से, ये इसलिए नहीं भागे कि हमने इन्हें भगाया है, ये इसलिए भागे हैं क्योंकि इनको डर था कि मोदी सरकार है वो इन्हें पकड़ के अंदर कर देगी, इसलिए भागे हैं। आपके टाइम पर तो जमकर ही बैठे थे, लोन पे लोन ले रहे थे, तो इसलिए देश को गुमराह मत कीजिएगा। ये मोदी की सरकार है जिसने नीरव मोदी, विजय माल्या को वापस लाने का बीड़ा उठाया है। इस वक्त नीरव मोदी इंग्लैंड में जेल में है, विजय माल्या भी बहुत जल्द मुंबई के आर्थर रोड जेल में आने वाला है, वो कमरा भी तैयार हो गया है। हमारी सरकार बहुत सख्ती से करप्ट लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई करती है। फिर आपने कहा कि आप चंडीगढ़ के लोगों को मालिकाना हक दिलाना चाहते हैं। वाह भाई वाह, 15-20 साल पवन कुमार बंसल जी यहां से एमपी थे, सेंटर में बड़े पावरफुल मंत्री भी थे, आपके परदादा ने यहां पर चंडीगढ़ को बसाया है, इस शहर को बनाने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे। उस वक्त नहीं सोचा कांग्रेस के लोगों ने कि यहां पर पहले से ही मालिकाना हक दे दे लोगों को, उनको इस चीज से वंचित क्यों रखा? और 15-20 साल में आपके एमपी ने क्या कर लिया उनको मालिकाना हक दिलवाने में? मैं दिलवा रही हूं उनको मालिकाना हक, इसीलिए चंडीगढ़ के लोगों को गुमराह मत कीजिए। और आपने कहा कि हम न्याय देंगे, हम लोगों के बैंक अकाउंट में सीधे 72,000 रुपए भेजेंगे। अरे बैंक अकाउंट तो आप खुलवा नहीं सके, मोदी सरकार ने बैंक अकाउंट लोगों के जीरो बैलेंस से खुलवाए हैं, और इतना बड़ा झूठ, आप न्याय देंगे? आज तक आपने न्याय दिया किसको है? क्या सिख दंगों के पीड़ितों को आपकी सरकार ने, आपके लोगों ने न्याय दिया है? उल्टा आप पंजाब में आए और जो सैम पिट्रोदा जी ने इतनी भद्दी भाषा में कहा कि 1984 हुआ तो हुआ, उसके लिए आपने माफी तक नहीं मांगी, आपने ये तक नहीं कहा कि हम उनसे मुत्तफिक नहीं है, हम उनकी बात को मानते नहीं है, कुछ तो सोचा होगा। आज तक आपने 1984 की राइट्स के बारे में माफी नहीं मांगी। मैं सिख हूं, बड़े गर्व से कहती हूं और बहुत पीड़ा से भी कहती हूं, इस बात का हमें बहुत दुख है सबको। आपने जो कल रात को सैम पिट्रोदा जी के बोलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस के इसमें सामने दिखाई देते थे, आपने वो इंटरव्यू देखा? वो आप ही के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने लोगों के नाम भी लिए, ये हमारी सरकार है मोदी सरकार जिसने SRT बनवाई और सज्जन कुमार जैसे आदमी आज जेल में है, आपने तो इतने साल से कुछ नहीं किया, आपको सूट करता था, आपने इन लोगों को बड़े बड़े मंचों पे बिठाया, बड़े बड़े औहदे दिए, प्रभारी बनाया अलग अलग इलेक्शन में, हद है राहुल जी, इतना झूठ बोलते हैं आप। क्या बोलूं, और सारा झूठ है जो आपने बोला है, इतना बड़ा झूठ है
कि आपका माइक भी उड़ गया, सुना है, माइक भी बर्दाश्त नहीं कर सका आपका झूठ। कुछ तो आकर चंडीगढ़ में ऐसी बात की होती जिसका कोई मतलब निकलता, जो चंडीगढ़ वासियों को लगता कि हाँ ये एक ऐसा नेता है जो चंडीगढ़ को भी पहचानता है, जनता को भी जानता है। लेकिन अफसोस की बात है, आप तो जहां जाते हैं चश्मों की फैक्ट्री लगा दूंगा, मोबाइल की फैक्ट्री लगा दूंगा, अभी तक तो आप कम से कम 100 मोबाइल की फैक्ट्रियां लगा चुके हैं, कोई जरूरत नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी मोबाइल की फैक्ट्रियां यहां पर लगा दी हैं पूरे देश में कि आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगली बार चंडीगढ़ आएंगे तो इतना झूठ मत बोलिएगा। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।